आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैप जोन की, मतलब कि किसी कॉलम में या किसी बीम में हमें जो सरिया का रेनफोर्समेंट का लैपिंग जहां पे करना है वो कौन सा सबसे सुटेबल जोन है एज पर आवर इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये देखिए, ये आपका कॉलम है, ठीक है, मतलब पिलर। ये बीम है, ये आपका बीम है और ये नीचे का स्लैब है। ये लेंथ मान लीजिए आप, दिस इज एल, ठीक है। इस कॉलम में आपने ये रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, यहाँ पे ऐसे डाला हुआ है रेनफोर्समेंट, दोस्तों ये रेनफोर्समेंट गया है, ये नीचे आ रहा होगा कहीं से ऊपर से, और ये हमने एक सेक्शन लिया हुआ है, एक फ्लोर लिया हुआ है। तो ये अगर एल हाइट है, हाइट कहां से, स्लैब टू बीम, ये इसका बीम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल इज इक्वल टू क्लियर हाइट या क्लियर स्पैन, जो भी बोलिए, ठीक है। अब क्लियर एल का एल बाई फोर कर दीजिए, ये आपका हो गया एल बाई फोर, ये इधर से आ गया एल बाई फोर, ठीक है, और ये बच गया आपका एल बाई टू। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी सरिया आप लैप करेंगे वो इस जोन में करेंगे एल बाई टू में, मतलब एल बाई टू नीचे वाला और एल बाई फोर नीचे वाला और एल बाई फोर ऊपर वाला, इस बीच में कोई भी लैप नहीं होना चाहिए सरिया का, ठीक है। अब सवाल यह है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है एल डी, जिसको हम बोलते हैं लैप लेंथ, वो कितना होना चाहिए, 50 डायमीटर। यह सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रहना चाहिए आपको अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो, मतलब अगर आपका 12 mm का सरिया है तो 50 × 12 600 mm, तो 600 mm का आपका जो है लैप होना चाहिए। लैप मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे सरिया आपने, यहाँ के नीचे का सरिया आया ग्राउंड फ्लोर से और यहाँ पे आके ये खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आप जो है सरिया का जो स्टैंडर्ड लेंथ आता है वो आता है 12 meter, तो उसके हिसाब से हम लोग कटिंग करते हैं। ऊपर आया, अब जब यहाँ पे सरिया आ गया तो उसको आपको इसके साथ में लैप देना है। तो लैप कैसे देंगे, सरिया को हम ऐसे करेंगे, यहां तक लाएंगे और यहां पे हल्का सा ऐसे जोगल मार देंगे, आपने देखा होगा, इसको हम करते हैं जोगल, ठीक है ना, या जैकल जो भी कहा जाता है। तो ये जो आपका लेंथ है यहां पे, ये लेंथ, दिस लेंथ शुड बी मोर देन 600 mm, ये ध्यान रखना है। ये जो लैप लेंथ है, यह लैप लेंथ, ये जो सरिया यहां से गया और ये, तो दिस शुड नॉट बी लेस देन 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, यानी अगर डायमीटर बार 12 है, अगर 20 है तो 1 meter हो जाएगा, तो शुड नॉट बी लेस देन 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, पहला प्रोविजन। दूसरा कंडीशन ये है स्टैंडर्ड का कि इन वन प्लेस, ठीक है ना, 50% मैक्सिमम लैपिंग इज अलाउड, ठीक है। अब इसको समझिए क्या है कि मान लीजिए आपका यहां तक जो है 6 bar है, ठीक है, यहां तक 6 bar है, तो इस पोर्शन में आपको सिर्फ 3 bar का लैपिंग करना है, बाकी 3 bar ऊपर करना, मतलब स्टैगरिंग करना पड़ेगा। आप सरिया अगर आपने छोड़ा है कास्टिंग के बाद, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे और यहाँ पे भी छोड़ दिए, जैसा मैंने एक आपका वीडियो चल रहा है यहाँ पे देखिए कि किस तरह से इसने लैपिंग की हुई है। तो ये आपका
यहां तक है और ये जाएगा, ये इधर जाएगा, तो नॉट मोर देन 50% ऑफ दिस रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड लैपिंग इन वन प्लेस एंड इट शुड बी स्टेगर्ड। तो ये भी आपका कई बार क्वेश्चन में आता है कि कितना परसेंट जो है एरिया एक बार में एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स लैपिंग अलाउड है, तो दैट इज 50%। ठीक है, अब ये तो हो गई कॉलम की बात, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें अगर आप जो है लैपिंग नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आजकल जो नया टेक्निक है, नया तो नहीं है, बहुत पुराना है, तो हम क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा ये बना हुआ है, यहां से एक सरिया आया, ऐसे एक सरिया हम नीचे से लाए, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने कपलर लगा दिया, कपलर, ठीक है ना, कपलर लगा दिया। अब हमें लैप लेंथ की जरूरत ही नहीं है, सरिया अपना बच गया। अब मान लीजिए ये 25 mm का सरिया होता, ठीक है ना, तो 25 × 50D के हिसाब से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का हमें यहाँ पे लैप लेंथ देना पड़ता, 1.5 मीटर सरिया हमारा वेस्ट हो जाता। तो एक कपलिंग के कारण हमारा जो है वो बच गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका कॉलम में। अब इसी तरह बीम में भी लैपिंग होता है। जैसे बीम में क्या होता है कि सरिया का मैक्सिमम आपका जो लेंथ है वो 12 मीटर होता है। तो 12 मीटर से ज्यादा अगर आपका कहीं स्पैन है तो ऑब्वियसली आपको कटिंग लेंथ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है आपका, मान लीजिए ये आपका बीम है, यहां से ये आपका कॉलम हो गया, एक कॉलम आपका यहाँ हो गया, ठीक है, और मान लीजिए एक कॉलम इधर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो है इसका BMD आपका ऐसे आएगा, आपको पता है ऐसे आएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे आएगा, ठीक है ना, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे टेंशन आएगा, ये बीम है तो नीचे वाला जो रेनफोर्समेंट है इसमें टेंशन आएगा, ये क्या आएगा, टेंशन, ठीक है, इसमें क्या आएगा ऊपर वाले में, कंप्रेशन। तो जो भी टेंशन जोन है यहां से लेके यहां तक, जहां भी टेंशन जोन है, ये नो लैपिंग जोन है, ठीक है ना, नो लैप जोन। इस पीरियड में, इस जगह में आपको लैपिंग नहीं करना है बीम के केस में। लैपिंग कहां करना है, इसमें, ठीक है, नीचे वाले रोड, नीचे वाले रेनफोर्समेंट में। और ऊपर वाले रेनफोर्समेंट में टेंशन कहां आ रहा है, यहां, तो ऊपर वाला जो रेनफोर्समेंट है वहां पे आपको लैपिंग इस पोर्शन में करनी है, यहां से यहां तक। तो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट है उसके लिए ये लैपिंग जोन हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया नो लैपिंग जोन। बहुत सिंपल है ये, आपको साइट में ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की गलतियां अगर लैपिंग में अगर आप मिस्टेक कर देते हैं एज ए साइट इंजीनियर, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब भी आपका जहां पर भी टेंशन आएगा वहां पे आपका लैप लेंथ प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका वो तुरंत क्रैक डेवलप होगा। तो इसीलिए लैप लेंथ जो है वो इंश्योर कीजिए कि 50D लैप लेंथ है, और लैप लेंथ जो है वो लैप जोन में ही होना चाहिए। नो लैप जोन में कोई भी लैपिंग नहीं होनी चाहिए। एज ए साइट इंजीनियर, एज ए मिस्त्री, एज ए सुपरवाइजर, एज ए मैनेजर हमारी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर लैप लेंथ प्रोवाइड है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।